Kaidoc News. जी हाँ, नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। अमिताभ बच्चन ने किसानों के प्रदर्शन पर पूछा सवाल, तो जानिए दुष्यंत चौटाला ने क्या दिया जवाब। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होना था जो चैनल पर प्रकाशित होना था। इस कार्यक्रम में एक्टर अमिताभ बच्चन ने आए हुए थे। कार्यक्रम के दौरान दोनों में रोचक सवाल जवाब भी हुए। दरअसल एक न्यूज चैनल में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर देश के काफी प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए थे। कार्यक्रम में हरियाणा की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी ऑनलाइन जुड़े थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी सवाल पूछे। अमिताभ बच्चन ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से पूछा कि हरियाणा के पिछले दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, खरीद का काम चल रहा है, ऐसे में कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंस कैसे फॉलो हो पाएगी। इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले तो अमिताभ बच्चन के सवाल की तारीख की, फिर जवाब दिया। इसी प्रकार की समस्या अप्रैल में भी आई थी जब गेहूं की खरीद करनी थी। इसके लिए हमने खरीद सेंटरों को 477 से बढ़ाकर 1900 भी ज्यादा कर दिए हैं। हमने 75 लाख मैट्रिक टन गेहूं 8.5 लाख किसानों से खरीदा है। हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश था जिसमें खरीद के दौरान एक भी कोरोना का केस नहीं आया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी धान की खरीद के दौरान भी हमने उचित प्रबंध किए हैं और उम्मीद है कि इस दौरान भी कोई कोरोना केस नहीं आएगा। इसके लिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि सभी को सुरक्षित रखे। किसानों के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक लोगों की तरफ से प्लान किया गया प्रदर्शन था और पिछले दो दिन से हरियाणा में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। धान की खरीद सही से प्रदेश में शुरू हो चुकी है। वहीं इस दौरान चैनल के एंकर से भी डिप्टी सीएम के कोरोना और स्वच्छता को लेकर सवाल जवाब हुए, जिन पर डिप्टी सीएम ने प्रदेश सरकार का मजबूती से पक्ष रखा और आगे की रणनीति के बारे में अवगत कराया। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।